life. Okay, we are live now. Hello everyone, a very good evening and a warm welcome to CS Cut India YouTube channel. Let's start with our business communication chapter number 7th. Jaisa ki maine aapko kal promise kiya tha, naya din, naya chapter. Yes? So should we start? कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? ऑल वेल, ऑल गुड? यस. चलिए ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा. कम ऑन एवरीवन, क्विकली. आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7th के साथ, और ये चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ ई करेस्पॉन्डेंस. ई करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी ही चीज़ें ये चैप्टर के अंदर लिखी हुई है. और ये चैप्टर ना यू गाइस इतना ईजी चैप्टर है कि ये चैप्टर में आप मुझे ज़्यादा पढ़ाने वाले हो, मैं आपको कम पढ़ाने वाली हूँ और आप ही मुझे ज्यादा पढ़ाने वाले हो. ठीक है, सो आर यू रेडी? यस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिया क्या आपने? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए. फिर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 7th का, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ई करेस्पॉन्डेंस. ई करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये चीज पे बात करते हैं. ई करेस्पॉन्डेंस मतलब जो हमने अभी चैप्टर 6 में पढ़ा, दैट वॉज करेस्पॉन्डेंस, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस. मतलब जब दो बिजनेसेस आपस में बातचीत करते हैं, या एक बिजनेस उसके कस्टमर से बातचीत करता है, एक एंटिटी उसके यू नो क्लाइंट से बात करता है, ये सारी ही चीजें करेस्पॉन्डेंस के अंदर आती है. करेस्पॉन्डेंस मतलब क्या? बातचीत करना, कम्युनिकेट करना. यस, लेकिन बिजनेस एंटिटीज जब कम्युनिकेट करती है उसे करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है. और एज यू ऑल नो कि ये जो ई करेस्पॉन्डेंस है, यहाँ ई का मतलब क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक करेस्पॉन्डेंस. तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिकली किसी से बातचीत करनी है तो हम कैसे करेंगे? बस वही सब ये चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है. ऑब्वियसली यार, हमारा जो जेनरेशन है इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर, इट्स नेटवर्क्स, क्या बोलते हो, ईमेल, वेब, ब्लॉग, व्लॉग, यही सारी चीजें. यस, तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. यस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज वेब, जिसे हम और क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम और क्या कहते हैं, WWW. ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? ये एक ऐसा तरीका है जिससे इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. सो इट इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको एक्सेस करनी है तो आप वो वर्ल्ड वाइड वेब से कर सकते हो. चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. यहाँ सबसे पहले मैं ना मैंने मेरा इंटरनेट चालू कर दिया, 5G दिख रहा है, चल रहा है. यस, ओके. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक ब्राउजर खोलती हूँ. ठीक है, मैंने एक ब्राउजर खोला और यहाँ ना मुझे इंस्टाग्राम पे जाना है, तो मैं क्या टाइप करूंगी, मैं टाइप करूंगी www.instagram. मैंने क्या टाइप किया, www. किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? वर्ल्ड वाइड वेब. और फिर मैंने टाइप कर दिया instagram.com. क्या खुल जाएगा आपके सामने? इंस्टाग्राम खुल जाएगा. यस, क्या आपको समझ आया? ऐसे आप कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं.
जैसे यहाँ पर मैंने YouTube खोला है, yes, okay, so World Wide Web is a way of accessing information. अगर आपको कोई भी information access करनी है तो आप किससे कर सकते हो? World Wide Web के help से कर सकते हो. अभी थोड़ा सा शायद buffer हुआ होगा, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग websites अलग अलग खोल रहे थे. yes, now it will be all perfectly fine. चलिए ठीक है, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे हम वेब भी कहते हैं, ये HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है. क्या यूज करता है? HTTP प्रोटोकॉल. दीदी ये क्या है? इट इज नथिंग बट ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेट के ऊपर बोली जाती है. ये हम लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती है, ये जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, IT एक्सपर्ट्स होते हैं, उन लोगों को आती है. ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये लोग एक ऐसा वेब बनाते हैं जिससे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, एक्सेस कर सके. तो क्या आपको WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये समझ आया? वर्ल्ड वाइड वेब या जिसे हम वेब भी कहते हैं या जिसे हम WWW भी कहते हैं, ये एक ऐसा वे है जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर. यस, ओके. अब आपको अगर WWW खोलना है तो आप क्या कहीं पे भी डाल दोगे क्या? वर्ल्ड वाइड वेब. सपोज आपने ना, आप एक आपके फ्रेंड के साथ चैट कर रहे थे और उसके ऊपर आपने लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब, तो खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा. क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसके लिए आपको एक ब्राउजर पे सर्च करना पड़ता है. जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा इंटरनेट कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने गूगल क्रोम खोला. यस, क्या आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैंने क्या खोला? गूगल क्रोम खोला. और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ WWW. क्या आपको समझ आ रहा है? तो ये जो गूगल क्रोम हमने खोला, इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्राउजर कहा जाता है. विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. यस, आपको दोनों भी साथ साथ में समझा रही हूँ, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा. एक वेब ब्राउजर जो होता है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. जैसे आपके फोन के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं, यस, बस वैसे ही ब्राउजर भी क्या है? एक ऐप है जिसके ऊपर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी फाइंड, कुछ भी रिट्रीव, कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अवेलेबल है. यस, तो क्या आप लोग मुझे ब्राउजर के, एक वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स दे सकते हो? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं गूगल क्रोम. और कौन से वेब ब्राउजर्स है? कैन यू गाइस टेल मी? यस, यूसी ब्राउजर, यस, सफारी, Mozilla Firefox, Opera, very good. और yes you guys, Mozilla Firefox. अभी Microsoft Edge भी आ गया है. Yahoo, yes. So all of these are examples of browser. इसे ब्राउजर कहा जाता है जब आप आपका इंटरनेट कनेक्ट करते हो, उसके बाद आप ये वेब ब्राउजर खोलते हो और उसके ऊपर आप WWW करके कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो. अगर आपको जीमेल खोलना है तो उसके ऊपर आप जीमेल खोल सकते हो, ड्राइव खोलना है ड्राइव खोल सकते हो, आप कुछ भी खोल सकते हो उसके ऊपर. यस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ आप एक ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट की मदद से खोल सकते हो. यस, यस, आर वी डन? आर वी गुड टू गो? तो अब मैं दोनों पे एक बार रिपीट करती हूँ. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है और अगर आपको वो एक्सेस करना है तो आपको WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की मदद लगेगी. यस, और आप वर्ल्ड वाइड वेब खोलोगे कैसे? एक बार इंटरनेट चालू किया, उसके बाद आप ब्राउजर खोलते हो, कोई भी एक ब्राउजर खोलते हो और उसके ऊपर डालते हो क्या? WWW और आपके साइट का नाम. ऑल राइट, आई होप वी आर डन, आई होप वी आर गुड टू गो. अब आपको ब्राउजर थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है. ये जो ब्राउजर हमने अभी अभी देखा, जैसे गूगल क्रोम, सफारी, आईफोन यूजर सफारी यूज करते हैं, ओपरा, ओपरा मिनी, Firefox, ये सारी क्या थे? ब्राउजर्स थे. अब इनमें ना कुछ ऐसे कॉमन, यू नो,
बटन्स होते हैं जो सारे ही ब्राउजर्स में होते हैं, जैसे कि बैक एंड फॉरवर्ड बटन। ये देखिए अपन यहाँ पर एक ये खोलते हैं, आई जस्ट ओपन www.instagram.com ही खोल देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपको बैक बटन दिख रहा है, यस आपको यहाँ बैक बटन दिख रहा है। इससे क्या होगा, हम पीछे चले जाएंगे। चलो क्लिक कर कर बताती हूँ, हमने बैक को प्रेस किया, हम फिर से जहाँ थे वहाँ चले गए, ठीक है। जो दूसरा है बटन, दैट इज टैब। टैब मतलब एट द सेम टाइम, सपोज मैंने ये ब्राउजर खोला, इसमें मैं कितने भी टैब्स खोल सकती हूँ। ये जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, आपको मेरा कर्सर देखना है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये टैब है। देखो अभी मैं अलग अलग टैब्स खोल रही हूँ, ये एक YouTube वाला टैब चल रहा है, फिर मैंने और एक टैब खोला, और एक टैब खोला, और एक न्यू टैब आपको दिख रहा है, यस यस। ये क्या है, दिस इज टैब। आप कितने भी टैब्स ओपन कर सकते हो, यस। अगर आपको अलग अलग टैब्स ओपन करने हैं, अलग अलग चीजें सर्च करने के लिए, तो आप ओपन कर सकते हो, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एड्रेस बार, या इसे आप URL बार भी कह सकते हो। ये जो है ना, यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसा सर्च करती हूँ स्पीड टेस्ट, जो भी आपको यहाँ पर, कोई भी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो, या फिर कोई भी चीज आप सर्च कर सकते हो, कहाँ, योर, यस, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेस बार। दूसरा है रीसेंट हिस्ट्री। रीसेंट हिस्ट्री का मतलब है जो भी चीजें अभी तक आपने सर्च की थी, अगर आप आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कंट्रोल और साथ साथ में एच दबाओगे, तो आपको जितनी भी रीसेंट हिस्ट्री थी वो सारी दिख जाएगी। जैसे ये देखिए वेंसडे को ये चीजें मैंने की थी, या जूम मीटिंग का, तो ये सारी हिस्ट्री आपको दिख गई, यस और नो। दीदी आप हमें आपकी हिस्ट्री दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं दिखाने वाले, हम आपको नहीं दिखाने वाले, इज इट सो, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो इसमें वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है जो पेजेस पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज रिफ्रेश बटन। अगर आपको ये जो आपका पेज है, आपका वेब पेज है, इसको रिफ्रेश करना है, तो ये रीलोड वाला बटन आपको दिख रहा है, रीलोड दिस पेज, बस इस पे प्रेस कर देना है, तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। और एक ऑप्शन दिया होता है स्टॉप का, इट कैंसल्स लोडिंग ऑफ करंट वेब पेज। अगर आपने स्टॉप पे क्लिक कर लिया तो फिर वो करंट वेब पेज लोड नहीं करेगा। एक होता है होम बटन। होम बटन ये देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, से मैंने यहाँ पर खोल दिया इंस्टाग्राम ही खोल लेते हैं, अभी मुझे जाना है होम पे, दिस इज माय होम बटन, यस। जिसके लिए और थोड़ा आप खोलना पड़ेगा वगैरह, ये आपको यहाँ पर भी दिखेगा, वन सेकेंड। क्या ये आपको होम बटन दिख रहा है? मेरा भी माइक्रोसॉफ्ट एज खुला है, यहाँ पर आपको होम बटन दिख रहा होगा, यस यस, ओके ओके। नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स। यहाँ पर आप कोई भी चीज, सर्च बॉक्स अलाउज एनी टर्म टू बी सर्च्ड बाय द सर्च इंजन। जैसे यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है, आई कैन सर्च, बताओ क्या सर्च करें आप, बताओ। वो आप सर्च या वेब एड्रेस के अंदर कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया? यस। सो सर्च बॉक्स अलाउज एनी टर्म टू बी सर्च्ड बाय द इंजन। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इंटरनेट, WWE, WWE सर्च करना है, चलिए ठीक है। फिर अभी क्या करें, चोकस्लाम दे दे, चलिए ठीक है। अब हम
हम लोग आ जाते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज इंटरनेट। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हमने अभी www पढ़ा और अभी जो हम इंटरनेट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ये तो मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? इंटरनेट और www, ये दोनों एक चीज है या अलग अलग है? www वर्ल्ड वाइड वेब, और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब जिस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट ये तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, आपको ऑलरेडी पता है इंटरनेट क्या है। अलग अलग है, डिफरेंट है, यस यस अलग है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इज यूज्ड फॉर मेनी एप्लीकेशंस। बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हमारा क्लास करने के लिए, यूट्यूब करने के लिए, इंस्टाग्राम करने के लिए, मोर देन फ्रेंड से बात करने के लिए, चैट करने के लिए। सो देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ इंटरनेट। यस, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बुलाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटरनेट्स हैं वो सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, ऑल द इंटरनेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर आपके पास एक दिन के लिए नेट चले गया तो फिर क्या होगा? दीदी बस जल्दी से नेट, ऐसा आप मत बोलो, हमें बस ये दुआएं चाहिए कि हमारा नेट बढ़िया 4G 5G पे हमेशा चलता रहे। यस, ओके। सो इंटरनेट ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे ग्लोबल नेटवर्क बुलाया जाता है। इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यस, इट्स बेसिकली अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। अभी एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यस, नाउ द टर्म्स इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। क्या ये अलग है या सेम है? मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया और आपने एकदम सही जवाब दिया है, दैट इज इंटरनेट अलग है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग है। इंटरनेट को चालू करने के लिए हमें यहाँ पर जाकर इंटरनेट को चालू करना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ता है। यस, ये जब कनेक्ट हो जाता है उसके बाद हम वेब ब्राउजर खोलते हैं, वेब ब्राउजर खोलने के बाद हम वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों भी चीजें अलग है। इंटरनेट क्या है? इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या आप सारे ही स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बोलोगे? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन इन दिस क्लास, इंटरनेट क्या है? इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट्स अ ग्लोबल सिस्टम, पूरा वर्ल्ड का। इट्स अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यस, व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो क्या ये तीनों भी चीजें आपको समझ आई? यस, आर वी गुड टू गो यू गाइस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब हमने देखा कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम किससे करते हैं? हम लोग www से करते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। इट्स अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा हमने ब्राउजर पढ़ा, जो कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। वो क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं आपके फोन में, वैसे ही एक ऐप होगा, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर। आप कोई ना कोई तो ब्राउजर यूज करते होगे, कोई भी चीज अगर आपको सर्च करनी है तो। सबसे कॉमन गूगल क्रोम है आई थिंक। And the third concept that we studied for now is internet. Internet क्या है? It's a global network of interconnected computer networks. Very good, very good, very good. Are we good to go? Yes, yes. Okay, done. चलिए अब हम आ जाते हैं ई करेस्पॉन्डेंस के ऊपर। ई करेस्पॉन्डेंस होता क्या है? इसे आप ईमेल करेस्पॉन्डेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक करेस्पॉन्डेंस भी बुला सकते हैं।
या तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस या तो आप इसे ईमेल करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है? जब हम आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करते हैं, उसे करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। यस, ये चैप्टर अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चैप्टर में सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। यस, आप इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हो। यस, ओके। तो ईमेल सबसे ज्यादा कॉमन टर्म जो कि आपने अभी तक के यूज किया ही होगा। क्या यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक कभी ईमेल यूज नहीं किया या जिसको ये नहीं पता है कि ईमेल क्या होता है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मेल जिस पे आप किसी को भी मेल भेज सकते हो या किसी से भी मेल रिसीव कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है तो। यस, चलिए अब ऑब्वियसली एग्जाम्पल देने के लिए मैं मेरा इंटरनेट, मेरा मेल चालू भी करूंगी सो दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकूं। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अ कंप्यूटर फाइल और मैसेज बाय कंप्यूटर मॉडेम, दैट्स इट। एक चीज जो आपको याद रख लेनी है दैट इज ईमेल का पापा कौन है। ईमेल ऑब्वियसली किसी ने इन्वेंट किया होगा। अब किसने इन्वेंट किया होगा, क्या किया होगा, हिस्ट्री बहुत बड़ी दी है जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना पढ़ना है कि जब भी क्लास में अगर मैंने कभी भी पूछा कि ईमेल का पापा कौन है तो आप सभी ने क्या कहना है, टॉमलिंसन जी है। कौन है? टॉमलिंसन जी। ये चैप्टर में से अगर आपको कुछ याद करना है तो वो ये है। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि ईमेल का पापा कौन है, आप क्या बोलोगे? टॉमलिंसन। टॉमलिंसन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ईमेल एंड इज क्रेडिटेड विद इट्स इन्वेंशन। इनको हम इन्वेंट करने के लिए फादर ऑफ ईमेल बुलाते हैं। किसे? हमारे टॉमलिंसन जी को। यस, यस, Are we done? Are we good to go? तो सारे ही स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे? केवल एक नाम जो कि है टॉमलिंसन। एवरीवन, ईमेल का पापा कौन है? टॉमलिंसन है। ईमेल का पापा कौन है? टॉमलिंसन है। यस, ओके, डन। चलिए ठीक है, अभी ईमेल क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ईमेल अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि जीमेल होता है, याहू मेल होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज है उनका तो एक स्पेसिफिक ईमेल होता है। यस, एक स्पेसिफिक ईमेल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द फीचर्स ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं? आपको ईमेल पता है? अगर नहीं पता है तो आप यहां देख सकते हो, मैंने मेरा जीमेल अकाउंट खोला है। यस, मैंने एक जीमेल अकाउंट खोला है। यस, ओके, इसे मेल कहा जाता है। ये जो सारे मेल्स आपको दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज मेल्स। दीदी ये हमें पता है, हमें इतनी छोटी चीजें आप मत बताओ। MIS बता दिया आपने, बहुत हो गया, ये सारा हमको आता है। ठीक है, आता है तो हम इसके एक एक फीचर्स देखते हैं। ईमेल के क्या क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईमेल। सबसे पहला तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक है। क्या आप पेज को एक पेज पे लिख के सामने वाले को भेजते हो और ऐसा बोलते हो क्या कि ये लो ये मेरा ईमेल है? नो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक है ये, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड। दूसरा है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। यार पैसे नहीं लगते अगर हमें कोई बिजनेस लेटर लिख के किसी को भेजना है। सपोज मुझे आपको भेजना है, आप तो नागपुर में रहते नहीं हो, जो रहते हैं उनके भी घर पे भेजना तो पड़ेगा ना, तो मुझे तो खर्चा लगेगा ना यार, मुझे पोस्ट करना पड़ेगा उसको और उसमें तो मुझे पैसे लगेंगे। लेकिन ईमेल, आजकल के जमाने में इंटरनेट सबके पास होता है तो बेसिकली ईमेल भेजना बहुत ही ज्यादा फ्री है।
यस ऐसा ही बोल सकती हूँ मैं. तो इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. यस नेक्स्ट इज पैकेजेस. जो ईमेल्स होते हैं ना उसके पैकेजेस मिलते हैं, जिसे हम लोग हमारे जैसे जो यू नो नॉर्मल आम आदमी कॉमन पीपल होते हैं हम लोग जीमेल या याहू मेल यूज़ करते हैं जो कि फ्री होता है. ऐसे ही सेम और ईमेल्स आते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद लेती है पूरा का पूरा पैकेज और फिर वो उनके नाम से वो मेल चलाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप किसी रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी को पूछोगे कि उनका ईमेल आईडी क्या है तो पता है आपको वो लोग अपना ईमेल आईडी क्या बताएंगे? वो ऐसा कुछ तो भी @gmail.com नहीं बताएंगे. वो बताएंगे csparshvi@reliance.com reliancegroup.com ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देम. यस हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग ऐसा यूज करते हैं csparshvi@gmail.com क्योंकि हमको कौन सा इतना बड़ा कंपनी हम चला रहे हैं. हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉर्मल यूज करते हैं ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ईमेल मिलता है जैसे कि जीमेल है वो हम लोग यूज करते हैं. कुछ डिफरेंस होता है ईमेल एंड जीमेल में, गूगल कर लेना ब्रो. अरे ईमेल एक ऐसा बड़ा, इट्स अ वास्ट एम्बिट. ईमेल के अंदर ये सारे मेल्स आते हैं जैसे कि जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, कोई कंपनी का स्पेसिफिक मेल हो गया. जैसे ब्राउजर एक मेन एम्बिट है, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स है. तो बेसिकली यह ईमेल एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है जैसे कि जीमेल हो गया, फिर याहू मेल हो गया. यस दोनों भी अलग अलग है. डन. ओके नेक्स्ट इज इंटरफेस. इसका इंटरफेस कैसा होता है? अगर आपको ना कभी भी जीमेल के ऊपर किसी को मेल भेजना है ना, आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप बोल्ड कर पाओगे. सपोज मैंने लिखा माय CSEET चैम्प्स, ठीक है. अब मुझे चैम्प्स को बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगी. ये देखिए, देख सकते हैं आप. तो इसका जो इंटरफेस है वो काफी सिंपल है, जैसा आप लोग एमएस वर्ड पढ़ते थे. एमएस वर्ड आपको आता होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बस वैसा ही है. यस आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, लाइक दैट. नेक्स्ट इज अटैचमेंट्स. आपको कुछ भी अगर अटैच करना है आप वो भी कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा होगा. वन सेकेंड. यस क्या आपको यहाँ पर अटैचमेंट का सिंबल दिख रहा है? यहाँ पे अटैच फाइल्स, चलो हम अटैचमेंट करके देखते हैं. मैंने यहाँ पर प्रेस किया अटैच फाइल्स के ऊपर, ठीक है, एंड से हमने एक फोटो सिलेक्ट कर लिया. चलिए ये वाला फोटो हमने सिलेक्ट कर लिया. चलिए ओपन करके आपको बताती हूँ ये फोटो कौन सा है. हम लोग कोई भी पिक्चर्स, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पीडीएफ, कुछ भी अटैच कर सकते हैं. तो अभी हम लोग ये वाला एक फोटो है जो अटैच कर रहे हैं, ठीक है. ओपन, यहाँ पे अटैच हो रहा है ये फोटो. यस दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ ईमेल कि आप कुछ भी अटैच करके किसी को भी भेज सकते हैं, जैसे कि कोई फोटो, कोई लिंक, या फिर कोई इमेज, या फिर कोई पीडीएफ, या कोई डॉक्यूमेंट, लाइक दैट. नेक्स्ट इज स्पैम. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार मार्क कर लेंगे आप मेरे साथ. आप मेरे साथ 3 स्टार मार्क कर लेंगे. यस ओके ओके. स्पैम क्या है? स्पैम इज अनसॉलिसिटेटेड और जंक मेल्स. यहाँ पर आप मेरे साथ साथ लिख लेंगे. ये ऐसे मेल्स होते हैं, ये ऐसे मेल्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए कि आपको आए, जो आपको नहीं चाहिए कि आपको आए. फॉर एग्जाम्पल
एडवर्टीजमेंट के कोई मेल्स होते हैं, एक पे एक फ्री फ्री फ्री, ये देखिए अगर कोई ऐसा मेल होगा तो मैं आपको बताती हूँ। यस वी हैव स्पैम, ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसको मुझे अनस्पैम करना पड़ेगा, नॉट स्पैम। अरे मतलब ये अनवांटेड नहीं है। यस यहाँ पर हम आपको और स्पैम के एग्जांपल्स दे सकती हूँ, वन सेकेंड। स्पैम, ये सारे ऐसे ही कुछ भी होते हैं कंपनी के कि इतना परसेंट ऑफ है, उतना परसेंट ऑफ है, ऐसे जो सारे मेल्स होते हैं इसे स्पैम मेल्स कहा जाता है। यस ये अनवांटेड होते हैं, मतलब कि एडवर्टीजमेंट वाले हमें भेज रहे हैं या कोई जॉब ऑफर है क्योंकि हमने कहीं हमारा मेल आईडी डाल दिया था तो वो हम लोगों को भेज रहे हैं, कोई कंपटीशन फॉर्म है, कुछ भी ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए कि हमें मिले, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्पैम कहा जाता है। सो दीज आर अनसॉलिसिटेटेड और जंक मेल्स कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग स्पैम। आप उसको स्पैम मार्क कर दो, वो स्पैम फोल्डर में चले जाएगा। यस ओके ओके, थैंक यू सो मच अवनीत एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग सीएसईटी। ओके नेक्स्ट इज सिग्नेचर। अगर आपको चाहिए है कि आपके मेल के ऊपर कोई भी ऐसी कस्टमाइज सिग्नेचर बनाकर आपको हर मेल के साथ वो जानी चाहिए आपकी, तो आप ऐसा भी एक फीचर है जिससे आप ये कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई मेल लिखोगे उसके नीचे आपका सिग्नेचर आ ही जाएगा और सामने वाले को आप सेंड कर पाओगे। आपको हर बार नहीं लिखना पड़ेगा सी एस पार्श्वी पारेख, सी एस कार्ट इंडिया और ऐसा वैसा सब जो भी मुझे लिखना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार मैंने बना लिया कि ये हमेशा हर मेल के साथ जाना चाहिए तो वो सिग्नेचर हर मेल के साथ जाता है। थैंक्स एंड रिगार्ड सी एस पार्श्वी पारेख, सपोज मुझे ऐसा जाए। यस ओके नेक्स्ट इज सर्च। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई पुराना मेल था जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च इन मेल, यहाँ पे कोई भी मेल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यस ओके यू कैन सर्च फॉर एनी मेल। ओके नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, अब जितना भी डेटा आपके ईमेल के ऊपर है ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा, तो ये कहाँ सेव होता है, ये एक क्लाउड के ऊपर सेव होता है, ना तो ये आपके फोन में है ना तो ये आपके लैपटॉप में है। जब जब आप वो ईमेल आईडी डालते हो और वो पासवर्ड डालते हो और जो मेल खुल जाता है वो कैसे खुलता है, ये मेल कहीं तो स्टोर होगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा और आपको ऐसे ही दिख रहा है। यस तो इट इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड। अगर आपको और बड़ी बड़ी फाइल्स भी डालनी है तो आप किस पे डाल सकते हैं, आप जी ड्राइव पे डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव जो होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ गूगल ड्राइव क्या होता है, दिस इज ड्राइव, ये वाला ऑप्शन जो है इसे ड्राइव कहा जाता है। इसको आपने खोल दिया, उसके ऊपर आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। यस जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यस ऑल राइट एंड लास्ट इज चेंजेस एट द वर्क प्लेस। हमें इतना यही टाइम में क्यों इतना अवेयरनेस हो गया है ईमेल का वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी जो है अभी वर्चुअल वर्क प्लेसेस होते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन ट्रेंड है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड। आफ्टर कोविड तो मतलब ऐसे आप समझ लीजिए आधे एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली कंपनीज ने बोल दिया कि अभी आपका एटलीस्ट एक साल तक तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। यार ये कितना सही है, पहले ऐसा थोड़ी हुआ करता था, पहले आपको एक्चुअल में कंपनी में जाना पड़ता था, है ना, येस और नो। सो बिकॉज ऑफ द चेंजेस एट द वर्क प्लेस ये ईमेल और भी ज़्यादा बूम हो चुका है। मोस्ट ऑफ द जितने करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो आजकल के इसमें ईमेल के ऊपर होते हैं। यस आजकल के लोग ईमेल ईमेल को खेलते हैं।
पहले चिट्ठियां हुआ करती थी, नाउ इज द टाइम फॉर ईमेल। नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स ऑफ एन ईमेल अकाउंट। अब ये अकाउंट की बात करें कि क्या क्या एक ईमेल अकाउंट के अंदर होता है। आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, आपका मेल खुल गया। अब जो आपका अकाउंट है उसमें कौन से से फोल्डर्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहला फोल्डर है सेंट मेल। चलिए देखते हैं सेंट मेल कौन सा है। ये वाला आपको दिखा सेंट मेल, यस, आर यू एबल टू सी इट। सेंट मेल को मैं ओपन करती हूँ, यस। अब यहाँ पर जितने भी मेल्स हैं वो सारे मुझे दिख जाएंगे। अगर मैंने ऐसे कोई मेल्स जो मैंने किसी को भेजे हैं वो मुझे कहाँ दिखते हैं, सेंट बॉक्स में दिखते हैं, यस, यस और नो, ओके, ठीक है। सेंट बॉक्स में ऐसे मेल्स होते हैं जिसको भी मैंने ये मेल भेजा है उन सारे ही मेल्स मुझे सेंट बॉक्स में दिखेंगे, वो सारे ही मेल्स, यस। नेक्स्ट इज द ड्राफ्ट फोल्डर। अब ये ड्राफ्ट फोल्डर क्या है, चलिए देखते हैं। ये दिखा आपको ड्राफ्ट, यहाँ ऐसे सारे मेल्स होते हैं जो मैंने टाइप तो कर लिए लेकिन अभी तक भेजे नहीं है, यस। जैसे कि ये वाला एक मेल है, हाय माय सीएसईटी चैम्स और बहुत सारी इमोजीज, यस। तो ये मैंने ड्राफ्ट तो कर लिया है पर अभी तक भेजा नहीं है। ये सारे जो भी ऐसे मेल्स है जो मैंने लिख लिए है, ड्राफ्ट कर लिए है लेकिन अभी तक भेजे नहीं है, वो ड्राफ्ट फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज स्पैम फोल्डर। जैसा कि मैंने आपको अभी बुलाया बताया, स्पैम फोल्डर को आप जंक मेल भी कह सकते हो, स्पैम मेल्स या फिर जंक मेल्स। इसकी वजह से हमारा जो स्पेस है वो काफी भर जाता है, तो ऑब्वियसली वी डोंट वॉन्ट स्पैम मैसेजेस, हमको अनवांटेड स्पैम चाहिए ही नहीं है, यस। तो ये स्पैम फोल्डर में जाके आ जाते हैं, ये स्पैम फोल्डर है अगर आपको दिख रहा होगा तो, ओके। सो स्पैम इज अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स और जंक मेल्स। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स का मतलब होता है अनवांटेड मेल्स, जो हमें चाहिए ही नहीं है कि हमारे मेल में आए, ये ऐसे ईमेल्स होते हैं, यस। सो स्पैम मेल्स आर ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। इससे कभी कभी बहुत बार वायरसेस भी आ जाते हैं, तो हम लोग यूजुअली ऐसे ट्राई करते हैं कि हमें ये ना आए, ये ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चले जाए, और फिर स्पैम फोल्डर से ये ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद डिलीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रैश फोल्डर। अब इसको भी आप 2 स्टार मार्क कर लोगे, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स स्पैम फोल्डर और ट्रैश फोल्डर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ट्रैश फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पर डिलीटेड मैसेजेस आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ये आपको रिसाइकल बिन जैसा एक डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द ट्रैश फोल्डर। यहाँ पर सारा जो भी मेल्स है जो आपने डिलीट किए हैं वो ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है, यस। आर वी डन, आर वी गुड टू गो, क्या आपको समझ आया? Just let me know in the chat box once. Yes. चलिए ठीक है. All right. तो आज के लिए इतना ही पढ़ना है या और थोड़ा पढ़ा दूं? और थोड़ा पढ़ा ही देती हूँ, बहुत इजी है वैसे, क्योंकि अभी आपकी लिंक लग चुकी है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईमेल अकाउंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप कोई भी ईमेल कंपोज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट को भेज सकते हैं, और टू फील्ड के अंदर आपको जिसको भी भेजना है उसका उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं, किस लिए आप भेज रहे हो ये सब्जेक्ट हेडिंग में डाल सकते हो, फिर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और सेंड करके सामने वाले को वो मेल मिल जाएगा, यस, ओके। नाउ देर आर सम गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप ईमेल लिखते हो। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 30 मिनट्स भी नहीं हुए क्लास चालू होने को,
बस मैम बस 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 मैं भी ऐसी किया करती थी। चलिए ये सिर्फ ये देख लेते क्या क्या गाइडलाइंस है जो हमें ईमेल लिखते टाइम फॉलो करनी चाहिए एंड उसके बाद वील बी डन विद द सेशन, ठीक है। चलिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए और उसका जो कंटेंट है ईमेल का वो अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए आपको ऐसी कोई गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर ग्रामर यूज़ करना, करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करना, उसका जो टोन होता है वो फॉलो करना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छे तरीके से दिखे ऐसा देखना। सो दीज आर द प्रोफेशनल थिंग्स। क्या जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं ये आपको फॉलो करनी है, जैसे कि प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, कर्टियस रहना है, पोलाइट रहना है, आपका मेल ऐसा रूड नहीं लगना चाहिए, यस, उसका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। और आपको ऐसा इमोटिकॉन्स यूज़ नहीं करने, जैसे हम लोग स्माइलीज वगैरह यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्माइलीज वगैरह यूज़ करते हैं, ये आपने अवॉइड करना चाहिए ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के अंदर। अगर आप कोई कंपनी के अंदर हो और आप कंपनी के अंदर किसी को मेल भेज रहे हो तो आप इमोजी अगर डालोगे, जैसे यहाँ डालते हो, तो आ आ आ इट्स कंसिडर्ड एज नॉट सो प्रोफेशनल, यस। अच्छा, और आपके जितने भी ऑफिशियल मेल्स हैं उसके लिए एक अलग ई मेल आई डी रखना, और एक जो पर्सनल मेल्स आपको आते हैं उसके लिए अलग ई मेल आई डी रखना, यस यस ओके। तो दो हमारे पास ईमेल आईडी हो गए, एक पर्सनल के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए या ऑफिशियल मेल्स के लिए। अवॉइड स्पैमिंग मतलब जिसको भी आप मेल भेज रहे हो, अगर आप बहुत सारे लोगों को मेल भेज रहे हो तो आपने ये देखना है कि आप स्पैम फोल्डर में तो आपका मेल नहीं चले जाता है ना, यस ओके। लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट्स, मतलब जो भी आप फाइल अटैच कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने 10 MB 10 GB की फाइल भेज दी, ना, छोटी छोटी फाइल्स भेजो, ऐसा एक साइज लिमिट कर दो कि जिससे यू नो जो कंपनी है उसका कोई ऐसा डेटा सिक्योरिटी भी रहे, वायरस अटैक ना हो। बड़े बड़े साइज के अटैचमेंट्स जो होते हैं ये यूजुअली बहुत सारी कंपनीज डालने ही नहीं देती है, या तो आप जी ड्राइव पे डाल दो या तो फिर आप लोग बड़ी फाइल ही मत भेजो, उनका ऐसा होता है। Have a standard signature for your official email. Standard signature मतलब क्या, जैसे अगर मैं कहूँ तो thanks and regards CS Parshvi Parekh, Solar Industries India Limited, और फिर मेरा phone number. This is called as the standard signature जो हर आपके official email के साथ जाए। Respond promptly to official emails. जितने भी आपके official emails हैं उसको आपको less than 24 hours में reply करना ही पड़ता है। अगर आपने response नहीं किया तो सामने वाले को गलत लगता है, yes? So respond as fast as you can, as promptly as you can. Set up efficient daily email practices. ये सारी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है, not that important but फिर भी again we'll just study it, yes? So सेट अप एफिशिएंट डेली ईमेल प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसा खुद को ऐसा बता दो कि दिन में ना 3 बार तो भी मैं मेरा ईमेल चेक करूंगा ही, यस। तो इससे क्या होगा कि जो रिस्पांस का टाइम है वो कम लगेगा। डिलीट ओल्ड मैसेजेस, जो आपके अनवांटेड मैसेजेस है या ओल्ड मैसेजेस है जो अभी कोई काम के ही नहीं है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं सो दैट आपका जो इनबॉक्स है वो क्लटर्ड ना लगे। रिसीव इनकमिंग ईमेल्स ओनली 2 or 3 सेट टाइम्स अ डे। अभी पूरे दिन अगर हम ईमेल के ऊपर ही बैठे रहे कि ओ मुझे एक ईमेल आया तो हमारा काम कब करेंगे भाई साहब। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एटलीस्ट 2 या 3 बार एक दिन के अंदर आप ईमेल देख ले, ऐसा आप एक रूटीन फॉलो कर लीजिए, यस। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्री टूल्स दैट कैन ब्लॉक ईमेल स्पैम। बहुत बार हमारा सिस्टम कॉरप्ट हो जाता है, ईमेल स्पैम वगैरह में आते हैं और हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो ऐसे ना टूल्स भी आते हैं लेकिन वो पेड होते हैं, हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर कोई ऐसा स्पैम मेल है तो वो पहले ही हट जाए, वो पहले ही आपको बता दे कि ओ ये स्पैम है, यस। एंड लास्ट इज यूज द रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल फीचर विद केयर। ये वाला जो फीचर है देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी एक रैंडम मेल खोल लेते हैं,
यहाँ रिप्लाई का फीचर है, तो ये रिप्लाई का जो फीचर है ये आपको बहुत केयरफुली, या फिर रिप्लाई ऑल अगर बहुत सारे लोग मेल पे है तो रिप्लाई ऑल का ये जो फीचर है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आपने कुछ लिखा ही नहीं था और वो दूसरा मेल चले भी गया, या आपने आधा अधूरा ही रिप्लाई लिखा था और वो मेल चले गया। तो पहले आप देखिए कि जितना आपको लिखना था वो आपने लिख लिया है, और फिर रिप्लाई का बटन यूज कीजिए। एंड यू गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत ही ईजी चीज़ें थी। एक बार के लिए ये जो गाइडलाइंस है ये तो भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब तो कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये इसीलिए मैंने आपको ऐसा ओरली बता दिया। ये कुछ नहीं, ईमेल के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बताया, ये आपके काम का नहीं है। यस, सो अनटिल हियर वी आर डन। बाकी का जो चैप्टर है वो आपके कहने पे हम कल करते हैं। यस, ऑल राइट। तो आज मैं आपके लिए कौन सा सॉन्ग गाऊं? द सॉन्ग इज आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। ना 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 ना। All right, you guys, thank you so much for joining in. Have a very good day ahead. Bye-bye. Take care. Good night. See you tomorrow. Aujo.